आज है शिक्षक दिवस। शिक्षक दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, मेरे साथियों को, हमारी टीम को भी शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मेरे गुरुओं को भी शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं। सब जानते हैं कि शिक्षक दिवस मनाया क्यों जाता है, क्योंकि एक शिक्षक, एक टीचर जो था वो भारत के सर्वोच्च पद, प्रथम पद, राष्ट्रपति के पद पर भी पहुंचा। तो शिक्षक को, गुरुओं को हमेशा से सम्मान हमारी संस्कृति में दिया जाता है, हमारे समाज में दिया जाता है, आज भी दिया जाता है, क्योंकि शिक्षक जो है समाज का निर्माता होता है, राष्ट्र का निर्माता होता है। इतिहास आप पढ़ते हैं, सिविल सर्विस के एस्पिरेंट्स हैं, चाणक्य भी एक शिक्षक थे। तो चाणक्य ने एक अपना शिष्य तैयार किया, चंद्रगुप्त मौर्य, और उसने जो कुशासन था उस व्यवस्था को उखाड़ फेंका और पूरे भारत को, इतने बड़े साम्राज्य को एकजुट करने का काम किया। वो प्रेरणा कहाँ से मिली? वो प्रेरणा उस कर गुजरने की जो शक्ति है वो एक शिक्षक से मिली। तो सिर्फ शिक्षक होने से काम नहीं चलता है, काम चलता है कि एक अच्छा शिक्षक, एक अच्छा गुरु यदि आपको मिल गया तो मुझे नहीं लगता कि समाज का, दुनिया का कोई भी कार्य आपके लिए कठिन होगा। आप हर उस कार्य को कर सकते हो, बशर्ते कि आपको एक अच्छा शिक्षक मिल जाए। अब यहाँ मैं आपको ये तो नहीं कहूँगा कि राष्ट्र को जोड़ना और ये सब बातों के लिए ऐसे शिक्षक की तलाश करो, क्योंकि मैं एक सिविल सर्विस का मेंटर हूँ, सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स को तैयारी करवाता हूँ सन 2010 से। उस समय मैं खुद भी तैयारी करता था, आज 2024 हो गया, 14 साल ऑलमोस्ट हो गए हैं। तो मैं तो अपने उन स्टूडेंट को, इस फील्ड में अगर उनका सिलेक्शन होता है तो इसी से प्रफुल्लित हो जाता हूँ, ठीक है। तो मैं उसी के बारे में गाइड करता हूँ कि आपको अपना ये गोल अगर सिविल सर्विस का आपने बनाया है तो इसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ये रास्ता कठिन है दूसरे रास्तों की तुलना में, क्योंकि इसमें सिलेबस ज़्यादा रहता है, चुनौतियाँ ज़्यादा रहती हैं, कोई लिमिटेशंस नहीं हो पाती हैं। कई बार ऐसी सिचुएशन बनती है कि हम सब कुछ जानने के बाद भी इसमें चयनित नहीं हो पाते, समय ज़्यादा लग जाता है, समाज का, परिवार का, रिश्तेदारों का दबाव भी रहता है। तो उन सब दबावों से निकल करके ही आपको आना है, आगे आना है, अपनी क्षमताओं को पहचानना है और उन क्षमताओं के बलबूते ही आपको आपका लक्ष्य प्राप्त होगा। अब सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स के ऊपर कुछ दो चार बातें मैं कह देता हूँ। जैसे महफिल में चल रही थी हमारे कत्ल की तैयारी, हम आए तो बोले सब बहुत लंबी उम्र है तुम्हारी। वैसे तो हालांकि ये यहाँ फिट नहीं होता है वाक्य, लेकिन मैं ये वाक्य को यहाँ फिट करने के बारे में इसलिए कहता हूँ कि होता क्या है, जब आप 2-3-4 अटेम्प्ट दे लेते हो और आप चयनित नहीं हो पाते हो, दूसरा कोई जॉब नहीं है, तो कहीं पर भी जाते हो, चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो परिवार हो, रिश्तेदार हो, सब जगह यही चलता है, ठीक है। कोई भी आपको सलाह दे करके चला जाता है। तो जिन बातों को कहना मुश्किल होता है उन बातों का सहना भी मुश्किल होता है। तो ये चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों से ही आपको निकल करके आगे जाना है ना। तो इस दुनिया में रहकर हमने ये जाना, इस दुनिया में रहना मुश्किल होता है। अर्थात मोटिवेशन आपके लिए यही है कि ये जितनी भी चुनौतियां आपके सामने आती हैं एज अ सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स, तो उन चुनौतियों को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, उन चुनौतियों का सामना करने की आवश्यकता है ना। कुछ लोग कहते हैं कि एक लक्ष्य बना करके आपको आगे बढ़ना चाहिए, मगर मैं आज के समय को देखते हुए ये कहता हूं कि आपको सिर्फ एकाग्र होकर के एक लक्ष्य नहीं बनाना चाहिए, आपको अपने प्लान ए और बी दोनों तैयार रखना चाहिए। पहले आप पूरा अपना ध्यान प्लान ए पर कॉन्सेंट्रेट करो, मगर एक निश्चित टाइम ड्यूरेशन के लिए। अगर आपने सोचा है कि नहीं मैं तो आईएएस बनूंगा या मैं पीसीएस ऑफिसर बनूंगा, बनो, मगर उसके लिए एक समय निश्चित कर लो कि मेरे पास 1 साल 2 साल 3 साल है, इससे ज्यादा समय इधर नहीं दे सकता हूं। और प्लान बी तैयार रखो कि अगर मेरे इस 2 या 3 साल के दौरान चयन नहीं होता है तो मैं अपने इस प्लान बी पर आ जाऊंगा। एकाग्रता रखो, वशर्ते आपने अपना लक्ष्य जो है वो एक निश्चित समय के लिए निर्धारित किया है।
वो आसानी रहती है वर्तमान समय में इसको देखते हुए। ठीक है, बाकी आपके बहुत सारे लोगों के अपने विचार होते हैं कि नहीं, जीवन में एक लक्ष्य रखना चाहिए, उसकी ओर सतत प्रयास करना चाहिए। एक तरफा जो लक्ष्य है आज के दौर में कई सारी चीज़ें उलझा देती है। समय पर वैकेंसी का ना आना, खासकर स्टेट पीसीएस में आरक्षण की पॉलिसी से ही अभी आप देखो पूरे अपॉइंटमेंट रुके हुए हैं, नंबर ऑफ वैकेंसी कम हो जाना, वो सब फैक्टर भी आखिर भुगतना तो आपको ही पड़ता है ना। तो इसलिए ये सब चीजों पर ध्यान रखना चाहिए, है ना। तो बस इतना ही बोलूंगा आज के दिन, और कल से तो आपकी क्लासेस जो है वो मैं रेगुलर स्टार्ट कर ही दूंगा। तो शिक्षक दिवस पर आप सभी को, मेरे सभी साथियों को और मेरे शिक्षकों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।